हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेस्टी कुकिंग कॉर्नर 9। आज हम बना रहे हैं झटपट बनने वाली स्वादिष्ट कढ़ी। देख रहे हैं आप कितनी प्यारी लग रही है ये कढ़ी। ये सिर्फ मैंने 5 मिनट में बनाई है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो कढ़ी बनाना बहुत ईजी है और सभी को आती है, मगर मैं जब गड़बड़ में होती हूँ तो कैसे झटपट बनाती हूँ, मैं आज आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो आइए फिर चलिए बनाते हैं मेरी स्टाइल में कढ़ी, एकदम सिंपल स्टाइल में, सिंपल तरीके से 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएंगी हमारी कढ़ी। बिना झंझट, बिना मेहनत के सिर्फ 5 मिनट में बनने वाली ये कढ़ी बनाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कढ़ी में लगने वाले हमारी सामान है, मैंने यहाँ पे कुछ ग्रीन चिली ली है, इसे रफली चॉप कर लिया है, 3 से 4 ग्रीन चिली है, एक साबुत लाल मिर्च है, कड़ी पत्ते हैं कुछ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और कुछ पिंच हींग के हैं। एक साफ़ पतीला ले लिया है हमने यहाँ पे, और मैं ये फेटा हुआ दही इसमें ऐड कर रही हूँ। ये 1 कटोरी के आसपास दही है, 1 कटोरी मतलब 8 टेबलस्पून, 8 बड़े चमचे मतलब टेबलस्पून के हिसाब से, और उसी मग से हम 2 मग इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आप ध्यान रखें, पहले दही को अच्छे से फेट लें, उसके बाद ही पानी ऐड करें। तो अब हम क्या करेंगे, पानी ऐड करने के बाद हम ये हमारी जो दाल घोटनी होती है उससे अच्छे से इसे घोट लेंगे, अच्छे से इसे फेट लेंगे, जब तक ये एकदम पानी के अंदर दही एक सा ना हो जाए, पानी और दही एक समान ना हो जाए, एक दूसरे से ना मिल जाए। एकदम स्मूथली हमें इसे ऐसे फेटते जाना है। अगर इसके अंदर थोड़े भी लम्स रह गए तो वो अच्छे नहीं होते हैं, फिर वो मुंह में आते हैं, तो हमें प्लेन करना है उसे। मैंने एकदम पिंच भर के यहाँ पे हल्दी का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है क्योंकि बेसन से भी हमें कलर मिलेगा। तो मैंने हल्दी डाल के भी बहुत ही अच्छे से इसको फेट लिया है। अब हम यहाँ पे इस स्टेज पे 1 से 1.5 टेबलस्पून मैं यहाँ पे बेसन ऐड करूँगी। तो ये मैंने डाला 1 चम्मच बेसन और यहाँ 1/2 चम्मच, तो बस इससे ज़्यादा बेसन की ज़रूरत नहीं है। इसे भी डाल के हम बहुत अच्छे से फेट लेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ थोड़े से बॉल्स जमा हो गए हैं, मतलब गांठे आ गए हैं, वो अभी ऐसे ही दाल घोटनी से घोटने से एकदम प्लेन हो जाएंगे। फिर मैं यहाँ पे बेसन डालने के बाद तीसरी बार यहाँ पे इसी कटोरी से, इसी मग से पानी ऐड करूँगी एक और, मतलब टोटल हमने यहाँ पे 3 कप पानी ऐड किया है। और पानी ऐड करने के बाद फिर एक बार अच्छे से और हम इसे फेट के लेंगे। बहुत ही स्मूथली इसे फेटना है, जल्दी जल्दी, एकदम फास्टली, और ये बहुत जल्दी से बेसन पानी में और दही में कह सकते हैं बहुत अच्छे से मिल जाता है। अब हमने हमारा पतीला गैस पर लगा दिया है, 5 मिनट हम इसे गैस पर भी ऐसे ही मिलाते रहेंगे। मैंने गैस नीचे से चला दिया है एकदम लो फ्लेम पे। अभी हमें इसको 1 से 2 बॉईल लेके पकाना है, मतलब अच्छे से इसे पकाना है ताकि जो बेसन का कच्चापन है, दही का कच्चापन है, वो निकल जाए और वो एक दूसरे में मिलके अच्छे से पक जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर छोड़ दे। तो जब वो पक जाएंगे तो एक फ्रेग्रेंस, अलग ही एक अरोमा आपको देख, मतलब फील होगा, सुन, मतलब उसकी खुशबू फैल जाएगी। तो यहाँ पे एक हल्का सा बॉईल आ रहा है, आप देख सकते हैं, और मैं इसे इसी तरीके से मिलाती रहूँगी। 1 बॉईल आने के बाद मैंने यहाँ पे 1/2 टेबलस्पून या स्वाद के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर दिया है। अब इसे बहुत ही अच्छे से हम मिला के घुमाते घुमाते इसी तरीके से चलाते रहेंगे, जब तक अच्छे से ये हमारी बॉईल लेके कढ़ी पक ना जाए। तो ये स्टेज पे कढ़ी को पकाना बहुत ज़रूरी होता है, वरना उसमें कच्चा सा टेस्ट आता है बेसन और दही का। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे पका रही हूँ, कंटिन्यूस हम इसे ऐसे स्टीर करना है, ऐसे घुमाते रहना है। अभी आप देखिएगा हमारी कढ़ी को एक अच्छा सा बॉईल आ गया है, आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से बहुत ही अच्छे से मेरी कढ़ी को बॉईल आ गया है। अभी यहाँ से 1 मिनट और इसे ऐसे घुमाते घुमाते पकाएंगे। थोड़ा सा इसको एक बूंद टेस्ट लेके देख लेती हूँ कि कैसी है, और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। आप इस स्टेज पे चेक भी कर सकते हैं कि कढ़ी पकी है कैसी है। तो मेरी कढ़ी परफेक्ट पक गई है, मैंने टेस्ट करके देखा है। अभी मैं यहाँ पर गैस ऑफ कर लूँगी और तड़के के लिए मैंने अपना छोटा सा ये जो पैन है इसे लगा दिया है गैस पे। यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। अब यहाँ पे हम ये हमारी जो रफली चॉप ग्रीन चिली है वो ऐड करेंगे, और जैसे ही थोड़ी सी कड़कने लग जाए हमारी ग्रीन चिली, हम बाकी के सारे सामान एक एक करके ऐड कर देंगे। तो मैं पहले राई ज़ीरा ऐड कर रही हूँ एक साथ। राई ज़ीरा डालने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से घुमा लूँगी, जैसे ही राई ज़ीरा तड़कने लग जाए तो मैं यहाँ पर हमारा जो 1 पिंच हमने हींग लिया हुआ है, मैं 1 पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हींग ऐड करूँगी, और हींग ऐड करने के बाद मैं अपनी सूखी साबुत लाल मिर्च भी इसमें डाल दूँगी। तो इन सबको डाल के हम बहुत अच्छे से ऐसे मिला लेंगे, जब तक हमारी लाल मिर्च लाल ना हो जाए, थोड़ी सी तड़क ना जाए,
बहुत अच्छे से इसे ऐसे मिला के लेंगे। और अब लास्ट में मैं ये कड़ी पत्ता इसमें डाल रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा कड़ी पत्ते को एकदम पका नहीं लेना है, एकदम हल्का सा इसका कलर जो है ग्रीनिश उसे रहने देना है। तो बस कड़ी पत्ता डालने के बाद गैस ऑफ कर लेंगे हम। हमारी कड़ी यहाँ पे गरम गरम रेडी ही है। ये तड़का हम धीरे से इसके अंदर डाल देंगे। देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी ये कड़ी, और इसकी खुशबू फ्रेंड बहुत ही बहुत ज़बरदस्त फैल जाती है, बहुत ही ज़बरदस्त। दिखने में भी कितनी प्यारी लग रही है, आप देख सकते हैं एकदम कलरफुल। राई और जीरे के कलर इसमें कितने प्यारे लग रहे हैं, लाल मिर्च कितनी प्यारी लग रही है, दिखने में ही बहुत सुंदर लग रही है। अब हमें क्या करना है, इसे 5 मिनट और पका के लेना है गैस पे तड़का देने के बाद। इससे जो है और अच्छे से इसका जो तड़के का फ्लेवर है ना, जो हमने तड़का डाला था, वो और अच्छे से कढ़ी में मिल के बहुत टेस्ट आएगा, इससे टेस्ट बढ़ जाएगा। तो हमें एक बॉईल और बस लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉईल अच्छे से आ गया है। इसी तरह इसको मिलाते मिलाते हमें 1 से 3 मिनट पका के लेना है। बॉईल आ गया, देखिए कितनी प्यारी लग रही है कढ़ी। मेरी कढ़ी एकदम बन के रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना प्यारा आया है। अब मैं आपको सर्व करके बता रही हूँ। तो ये लीजिए हमारी कढ़ी बन के एकदम परफेक्टली तैयार है। झटपट 5 मिनट में बनने वाली कढ़ी एकदम से रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल के ऊपर से हम इसे गार्निश करेंगे और अब सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही बहुत ज़बरदस्त बनती है, बहुत अच्छी बनती है कढ़ी, एकदम 5 मिनट में बन के रेडी हो जाती। कोई झंझट नहीं है इसे बनाने में, कोई भी मेहनत का काम नहीं है, बस घर में अवेलेबल सामान से वैसे तो कढ़ी बन ही जाती है। लेकिन मैंने इसमें यहाँ बिल्कुल भी कोई अदरक लहसुन नहीं ऐड किया है। तो जो लोग अदरक लहसुन खाना अवॉइड करते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। इस रेसिपी से वो ज़रूर ट्राई कीजिए कढ़ी बनाना। और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप पुलाव के साथ, ज़ीरा राइस के साथ, खिचड़ी के साथ, खट्टे के पुलाव के साथ, हर किसी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं बड़े मज़े से। खाने में बहुत ही बहुत बढ़िया बनी थी, कम मसालों में बनने के बाद भी इसका टेस्ट कम नहीं हुआ था। तो फ्रेंड्स आप भी मेरी सिंपल सी स्टाइल की कढ़ी, झटपट बनने वाली कढ़ी को ट्राई कीजिए, और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी झटपट बनने वाली कढ़ी। तो ज़रूर बनाइए ये मेरी स्टाइल में कढ़ी और घर वालों को खिलाइए, यकीनन बहुत पसंद आएंगी। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड थैंक यू लवली पीपल।